खबरों में हदम सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई व नेमेवार की घटना के विरोध पर सड़क पर उतरी कांग्रेस। बिछिया विधानसभा मुख्यालय में किया गया धरना आंदोलन। मंडला, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों व महंगाई से आम जनता त्रस्त है। आम जनता की इस समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। बीते दिनों घोघरी व मुंबई में प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को विधानसभा मुख्यालय बिछिया में आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जबलपुर विधायक विनय सक्सेना ने केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई व भ्रष्टाचार को लेकर जनता की हर लड़ाई में लड़ने की बात कही। स्थानीय समस्याओं को लेकर चेतावनी भरे लहजे में शीघ्र निराकरण की मांग की गई, अन्यथा उग्र आंदोलन की बात कही गई। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बिछा विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि सरकार जनता से सीधे लूटपाट कर रही है, जानबूझकर आदिवासियों की हत्याएं करी जा रही हैं, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, स्कूल को बंद कर अनपढ़ बनाए रखने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम यह सब नहीं होने देंगे। हम हर मोर्चे पर आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, दिन हो या रात हो, आम जनता की समस्या के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। रीवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। आज से 95 साल पहले हुआ और भारतीय जनता पार्टी की उदय और उत्पत्ति 1980 में दिशा विधानसभा का एक विवाद बन गया है और इसी के तहत आज मध्य प्रदेश की दगाबाज सरकार समस्या है महंगाई की। पेट्रोल डीजल रसोई ने हर घर की कमर तोड़ दी। एक तरफ रोजगार नहीं है, दो वक्त के रोटी खाने की मुश्किल हो रही है। ऐसे में ये नक्कारी और मक्कार सरकार लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई कीमतें रोज बढ़ा रही है। उनको ये समझ नहीं आई कोरोना काल में जब लोगों ने रोजगार चले गए, युवाओं को घर पर बैठा दिया, नौकरियां छूट गई, ऐसे में आदमी अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक बढ़ी हुई कीमतें आखिर कैसे आदमी बर्दाश्त करेगा। इसलिए आज हर वो नागरिक जो आज परेशान है और जो निराश है सरकार से, उसकी आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें ना सिर्फ धरना प्रदर्शन हुआ बल्कि हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के मुखिया का पुतला दहन भी यहाँ पर किया है। हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार की नींद खुले और इस कुंभकर्णी नींद से बाहर आए और आम जनता की आवाम की आवाज़ को सुने। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.rivaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।